अब लोग कहते हैं इतना क्यों पढ़ना भाई, बहुत ज्यादा पढ़ना हो गया, पढ़ाई हुई है तो। लेकिन जो लॉयर होते हैं ठीक है, इनको रोज पढ़ना होता है, पूरी जिंदगी पढ़ना होता है, रोज हर बार एक नया केस, किसने उसकी खोपड़ी फोड़ दी, उसने उसकी उसकी उसका जो है वो सिगरेट का बंडल उठा के भाग गया, मतलब बहुत तरह की बीमारियां होती, बीमारियां नहीं मतलब समस्याएं होती समाज की, समाज के अंदर के, तो उसके लिए वो केस लड़ रहे होते हैं। तुम सिगरेट का पैकेट लेके भागे तो उसमें 6 सिगरेट थी, मिली तो 5 ही मिली, तो एक कहां गई ठीक है। तो अरे बता रहा हूं एग्जाम केस के कई तरीके, तो कहने का मतलब ये है वकील को हर दिन पढ़ना है ठीक है, फिर नहीं साहब ये भी नहीं करना, फिर क्या करना है, कारपोरेट में नौकरी करना है, किसी बड़े बैंक के अंदर नौकरी करना है, बड़े प्राइवेट बैंक में, बड़े मल्टीनेशनल में, एमएनसी में काम करना है। एमएनसी में आने का समय तय है 9 AM, जाने का समय कोई तय नहीं है, 12 रात के 12 बजते। मैंने काम कर देखा बॉम्बे के अंदर, जहां मेरा ऑफिस था पे अमेरिकन बैंक का भी ऑफिस वहां पर ठीक है, और डोस बैंक उसका ऑफिस है यहाँ पे, बड़े बड़े HSBC बैंक के, बैंक के प्रमाइसेस में ही रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने, वहीं पे जिम है, वहीं पे छोटे छोटे, अब नई तरह की चीज आ गई है, ऐसे छोटे छोटे से जो वो ऐसे बॉक्स से बने होते हैं कि आप उस बॉक्स में जाइए और वो चालू कर देंगे हल्का म्यूजिक लगा के आपको, और आप 1-2 घंटे सो के वापस आइए फ्रेश होके आप ठीक है। शॉवर रूम बने हुए हैं जिम के, जिम में हमें कई सारे शॉवर रूम बने की, तो लोग क्या करते हैं सुबह 9 बजे वहां पहुंचे, रात के 12 बज गया 2 बज गया, कई लोग बार वहीं सो जाते हैं, वहीं से फिर अगले दिन काम। कॉर्पोरेट की जिंदगी ऐसी है, पैसा मिलता है लेकिन पैसे को खर्च करने का वक्त नहीं है उनके पास में ठीक है, डोंट हैव टाइम ठीक है। ये जो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी सब चले कहां से, मुंबई दिल्ली से चले हैं सब ठीक, नहीं तो आदमी तो ऐसा था कि एक समोसा खाने के लिए भी 4 दुकानें तलाशता था वो, कि आज यहाँ खाया कल वहां जाके देखेंगे ठीक है। अभी तो खत्म हो जोमेटो, तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये कि भाई है ना पढ़ना पड़ता मेडिकल, और तुम यदि आज तुम जो है जैसे परफॉर्म कर रहे हो ना टेस्ट के अंदर, तुम पहले 6 साल निपटा दो ये बहुत बड़ी बात है, समझ गए, ये कड़वी बात है पर सच्ची बात है, तुम लोग जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहे इसको अब तुम ठीक है। आज आया अखबार में कहीं पर पढ़ रहा था मैं किसी पेपर में या कहीं पर देखा मैंने कि एक डॉक्टर ने टाइटल तक वीडियो कैसी बनते कि डॉक्टर ने यूट्यूब के वीडियो को देख के सर्जरी की और पेशेंट मर गया। अब वो कोई डॉक्टर MBBS थोड़े ना था डॉक्टर, वो क्वेक था उठके है ना, मतलब वो बोलता डॉक्टर था पर उसके पास कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं थी उसको। और आने वाले समय में प्राइवेट मेडिकल जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो यूट्यूब का महत्व बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि सच बता रहा हूं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये ब्रेन को आप रगड़ रहे हैं चमकने के लिए भाई, तू और बर्दाश्त करना प्रेशर, इसलिए यहां पे कोई कसर मत छोड़िए। आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमिंटस का रिवाइंड टेस्ट से ज्वाइन कीजिए, वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए साथ मिलकर मेहनत करते हैं, और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, NCERT का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।